नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 8 का प्रैक्टिस सेट 3.2। तो हम क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, a रेज टू m अपॉन n। तो इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कैसे इसको लिख सकते हैं, a रेज टू m रेज टू 1 अपॉन n। मीन्स इसको हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे nth रूट ऑफ, देखिए nth कहाँ से आया, ये nth रूट ऑफ mth पावर ऑफ a। फिर इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए a रेज टू 1 अपॉन n रेज टू m। मीन्स इसको हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए nth पावर ऑफ nth रूट ऑफ a, मतलब जो 1/2 के फॉर्म में होता है उसे हम रूट पढ़ते हैं। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे 27 रेज टू 4/5 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 27 रेज टू 4 रेज टू 1/5। ठीक है, देखिए इसी को हमने ऐसे लिखा है, मतलब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपका यही आंसर आएगा 27 रेज टू 4/5। कैसे आएगा, देखिए अगर 4 × 1/5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/5 ही आएगा। तो इसको हम देखिए कैसे पढ़ेंगे, फिफ्थ रूट ऑफ, देखिए फिफ्थ रूट हमने कहाँ से लिखा, ये 1/5, इसको हम क्या कहते हैं, फिफ्थ रूट ऑफ, फिर फोर्थ पावर ऑफ 27। फिर देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल, 27 रेज टू 4/5 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 27 रेज टू 1/5, मतलब ये जो 1/5 है इसको अभी हम पहले लिख लेंगे और 4 को बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे पढ़ेंगे, मीन्स फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 27। चलिए ये जो टेबल है इसे हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट कॉलम है इसमें क्या है, सीरियल नंबर, सेकेंड में है नंबर, और थर्ड में है पावर ऑफ द रूट, मतलब रूट का पावर इसमें लिखना है। तो रूट का पावर क्या होगा पता है आपको, ये देखिए जो 2 है ना इसके ऊपर जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पावर। जैसे यहाँ पे 5 है ना, तो इसके ऊपर जो होगा मतलब जो न्यूमरेटर में होगा वो हो जाएगा पावर। ठीक है, अभी देखिए रूट ऑफ द पावर, अब पावर का रूट मतलब जैसे यहाँ पे 3 है ना, तो उसका रूट क्या हो जाएगा, 2। जैसे यहाँ पे 4 है ना, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, 5। ऐसे ही हमें इसको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन क्या दिया है, 225 रेज टू 3/2। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, पावर ऑफ द रूट, पहले हमें रूट का पावर लिखना है। तो देखिए रूट का पावर क्या है, 3 है, मतलब क्या है, क्यूब। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्यूब ऑफ, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है ये ध्यान में रखना है। देखिए क्यूब ऑफ, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 225। फिर देखिए यहाँ पे रूट ऑफ द पावर, अब पावर का रूट क्या है, 2 है ना, मतलब क्या है ये, स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, फिर क्यूब ऑफ 225। अब देखिए यहाँ पे हमारा सेकेंड वन क्या दिया है, 45 रेज टू 4/5। तो आपको पहले क्या लिखना है, पावर ऑफ द रूट, मतलब रूट का पावर। यहाँ पे क्या है, 4 है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए फोर्थ पावर ऑफ, फिर क्या लिखना है, फिफ्थ रूट ऑफ, नंबर क्या है, 45। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 45। फिर देखिए यहाँ पे रूट ऑफ द पावर, अब पावर का रूट पहले लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फिफ्थ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिफ्थ रूट ऑफ, फिर पावर, फोर्थ पावर ऑफ 45। ये देखिए यहाँ पे थर्ड वन क्या दिया है, 81 रेज टू 6/7। तो पहले आप क्या लिखेंगे, पावर आपको लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिक्स्थ पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 81। अब यहाँ पे रूट ऑफ द पावर, तो क्या लिखेंगे हम, सेवेंथ रूट ऑफ
सिक्स्थ पावर ऑफ 81। फिर यहाँ पे देखिए फोर्थ वन, 100 raised to 4/10। तो पहले क्या लिखना है, पावर लिखना है, तो पावर यहाँ पे क्या है, 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ पावर ऑफ, फिर 10th रूट ऑफ 100। फिर यहाँ पे रूट ऑफ द पावर तो क्या है, 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10th रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 100। फिर देखिए फिफ्थ वन, 21 raised to 3/7। तो पहले हमें पावर लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए 3 मीन्स क्या होगा, क्यूब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यूब ऑफ, फिर 7th रूट ऑफ 21। देखिए यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, 7th रूट ऑफ, 7th रूट ऑफ, फिर क्यूब ऑफ 21। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये टेबल कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रेशनल इंडिसेस। अब इसको रेशनल इंडिसेस में हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, 121 raised to, देखिए यहाँ पे क्या है, 5th पावर मतलब 5 ऊपर आएगा और यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या होगा, 2 नीचे आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 5/2। ये हो गया हमारा फर्स्ट वन का। फिर देखिए इसमें क्या दिया है, क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324। तो देखिए क्यूब ऑफ बोला है मतलब ये क्या हो जाएगा, पावर में, और फोर्थ रूट बोला है मतलब ये क्या हो जाएगा, रूट में। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिखते हैं, इसका आंसर यहाँ पे 324 raised to 3/4। फिर देखिए थर्ड वन क्या दिया है, 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264। तो रूट में हम क्या लिखेंगे, 5 मतलब ये हो जाएगा डेनोमिनेटर और स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा न्यूमरेटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 264 raised to 2/5। अब देखिए लास्ट वन क्या दिया है, क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3 मतलब 3 raised to 3/3। देखिए यहाँ पे क्यूब ऑफ बोला है मतलब पावर में भी क्यूब आएगा और रूट में भी क्यूब आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा देखिए सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।